फिर कैसे बोलता है मोदी मोदी, कैसे बोलता है मोदी मोदी का, कैसे प्रधानमंत्री हमारे? कहाँ थे तुम जब पास हुआ? तुमने किया? आप क्या लाल झंडे वाले हो क्या? नहीं, आप भी लाल झंडे वाले लिखा है मेरे को लग रहा है। नरेंद्र मोदी पसंद करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है वही पसंद करता हूँ, नरेंद्र मोदी पसंद करता हूँ, देश देश में कोई नहीं है। आपको पता है एफिडेविट भाई साहब? नहीं ले रहा, नहीं लेता मैं। कैसा ले रहा है? इनकार, एकदम इनकार कर दिया। फ्री नहीं लेते, नहीं लेते। बिल दिखाओ अपना। क्यों नहीं लेते? नहीं लेते, नहीं लेते। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये सब वो लोग हैं जो कल तक कांग्रेस में थे, अब जब वहाँ डालने गली तो इसमें आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द राज धर्म के ऊपर। इन बाग में जो हो रहा है मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी करवा रहा है, जानबूझ के करवा रहा है। इन्होंने बोला अंकल कैसे करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं अंकल जी का जवाब? किसी हाथ में पिस्तौल पकड़ा देगा, क्या पिस्तौल पकड़ा देगा? कह रहा पिस्तौल भी आ गया, मोदी जाके पकड़ा था वहाँ पर। केजरीवाल लेके आया वहाँ पर, केजरीवाल लेके आया। फिर कैसे बोलता है मोदी मोदी, कैसे बोल रहा है मोदी मोदी का, कैसे बदतमीजी? वो प्रधानमंत्री हमारे अंकल जी, वो प्रधानमंत्री है, आप इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं? फिर कैसे बोल दिया आपने मोदी ने पकड़ाई पिस्तौल? फिर मोदी ने कैसे पकड़ाई पिस्तौल? आप कैसे बोल रहे हैं अंकल जी? अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी सुनिए, सर्जिल इमाम, सर्जिल इमाम की गिरफ्तारी पे क्या कहिएगा? सर्जिल इमाम की बात है, वो देशद्रोही है, देशद्रोहियों को पूरा पूरा सबक मिलना चाहिए, ठीक है? नहीं, वहाँ पिस्तौल से लेके आप ये बताइए, वहाँ पर बिरयानी बिक रही है, मतलब बन रही है, चाय बन रही है, तो और दिन सुबह आते हैं उनका रजिस्टर बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट का, ठीक है जी? वो सुबह आते हैं अपना वहाँ से खा पी के अपने 500 लेके घर चले जाते हैं, फिर शाम को आप देखो वहाँ भीड़ डबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका मतलब पूरा उनका जो है प्लानिंग है ना, प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं वो। तो बताइए और जगह भीड़ क्यों नहीं होती? आप यहाँ पर 10 मिनट से खड़े तो जाके बाराज में खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं? और ऐसे एक और चीज अंकल, एक लोकतंत्र में मीडिया, मीडिया के साथ ये क्या? आप हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, सीधी सी बात है। एक अकेली कंट्री हमारी, उसमें भी आप तुम जो है मोमडन को कहोगे कि नहीं जी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्यों भाई है? मतलब बिरयानी खिलाओगे बस, की राजनीति पे क्या कहिएगा अंकल? ठीक है, लेकिन शाहीन बाग में, शाहीन बाग में मैडम ऐसा होता है वहाँ पे पिस्टल निकल जाती है, आज कल जो है पिस्टल निकली, नहीं निकलता है, वो सब प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, 500 रुपीज लेके गए, वो सारा प्लानिंग है, प्लानिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर जगह जगह आंदोलन जो हो रहा है वो सही हो रहा है, सही हो रहा है। ये का एनआरसी का विरोध वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अपने देश में लोगों को एजुकेशन नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे नागरिकता देना, ये कहाँ की है? ये एक बात बताइए मैडम, हिंदू लोगों को बोल रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात की है भाजपा सरकार ने, अब माइनॉरिटीज हिंदू होंगे ये सब होंगे तो कहाँ जाएंगे? मुस्लिम के लिए तो 50 कंट्री है, लेकिन हिंदुओं कहाँ जाएंगे? वो भारत में ही तो आएंगे, ऐसा ऐसा जो तर्क है वो भाजपा सरकार रखती है, क्या कहिए? भारत जो है ना, हम सबका है, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सभी का भारत है। और जब अर्जुन इमाम को क्या कहिएगा? अगर शाहीन बाग कोई गलत चीज नहीं होती, ठीक है, तो फिर वहाँ पे सर्जिल इमाम जैसे देश दोही वहाँ पे जा करके ऐसी बात करे कि आसाम को काटने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन हवा दे रहा है? ये मैडम, ये सब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक जितनी देखने की चीज है, देखने की चीज है, देखने की चीज है। अंकल अंकल, सर्जिल इमाम जैसे लोगों को कौन हवा दे रहा है? ये देखिए सीधी सीधी बात है, इससे पहले तो कभी ऐसे धरने नहीं हुए ना, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, तो कौन करवा रहा है जी? जिनको उनकी वोट चाहिए वो करवा रहे हैं, जिन हमें तो बीजेपी को उनकी वोट नहीं चाहिए, बीजेपी को ना उन्होंने कभी वोट दी है ना वो देंगे, ठीक है जी? बात भी नहीं होती थी पहले भी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत आदर करते थे हम, आज वो नहीं रहे और अब जो बीजेपी पे है वो सब बेकार। आम पार्टी के कि मोदी ने वहाँ पिस्तौल रखवा दी, मोदी पिस्तौल रखवाने जाएगा वहाँ है फिर? और वो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के ढंग से आप बात करें, ये क्या मतलब होता है भाई? चलिए इस बात पे हम लोग बंद करते हैं। मोदी के कामयाबी से सारे विरोधी हो गए, कहा क्या क्या नहीं किया बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ अंकल जी, ये मैं पूछ रही है,
मैम मैम एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए यार ठीक है, एक चीज आपको बता रही, एक चीज बता रहे, मोदी जी के, मोदी जी की सफलताएं बता दीजिए मैडम, जानना चाहती हूँ, ये बता रहा हूँ, मोदी जी की सफलताएं, मोदी जी की और 500 साल से हमारा राम मंदिर था, राम मंदिर नहीं बना, रोजगार मिले, राम मंदिर बना, जिसके लिए लड़ाई हो रही थी सब, जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, पर आप बताइए 3 तलाक इससे पहले क्यों नहीं हुआ, 3 तलाक कैसे सही हो गया, धारा 370 क्यों हट गई, बताइए ना, ये सब मोदी ने क्या, केजरीवाल क्या क्या वहाँ धारा 370 हटा रहे, और रही बात सीए, रही बात 370 या NRC वगैरह का, ये सब लोकसभा में पास हुआ है, हाँ जी लोकसभा में, और विधायक जो है ना वो है, और हमें इन्होंने मोदी जी ने अपने घर में बैठ के नहीं उसको पास कर दिया है, ठीक है जी, डीमोनेटाइजेशन ठीक है, एक मैडम एक दोबारा सीटें ज्यादा क्यों मिली फिर, ये बताइए ना मैडम, ये बताइए वोट की चोरी हुई है, अरे कहाँ थे तुम, आप जब पास हुआ तुमने किया, आप क्या लाल झंडे वाले हो क्या, नहीं आप भी लाल झंडे वाले लिख रहे हैं मेरे को लग रहा है, एक सेकंड ये बिल्कुल तर्क ठीक है, फ्री की राजनीति पे मैम आप क्या कहिएगा, फ्री की राजनीति, देखो मैम फ्री की राजनीति नहीं है, उन्होंने जो भी मतलब दिल्ली सरकार इस मुजाफे में है वो अपना घर नहीं भर रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो भी उनको फायदा हो रहा है वो लोगों में बांट रहा है, वो अपने जेब से नहीं दे रहा, फ्री की बात, एक मिनट देखो जी, फ्री, हाँ फ्री की बात मैं बताता हूँ, फ्री पहली बात तो ये बताइए, फ्री क्या वो अपने घर से दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, बताइए, वही आदमी जिसने कहा था मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को बंगला नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है जी, एक बात, दूसरी बात जो फ्री वाली बात है ना, ये जो अच्छे भले लोग काम कर रहे थे ना उनको भी निकम्मा कर दिया इन्होंने, फ्री से नहीं होता, ये हमारी सब्सिडी जो हम टैक्स पे करते हैं उसके जो पैसे ये वहाँ इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहे हैं, और कितने दिन और फिर कहते हैं फ्री नहीं, आप ये कह सकते हो हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप फ्री कैसे बोल दोगे, फिर सस्ता करो, आप सबके लिए करो सस्ता, कोई तरीका नहीं होता मैडम, फ्री कोई तरीका नहीं होता, लेकिन उनका जो मुनाफा और अपना जेब तो नहीं भर रहे, अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आ रही है कि नहीं आ रही है, पानी गणेश नगर मेरे यहाँ चलो मैं पानी पिलाऊंगा, सप्लाई का पानी गटर वाला आता है, बदबू वाला, अब क्या बोलेगा, सीवर का पानी आता है भैया के घर में, करिए ना, काफी सारी लाइन, पाँच साल हो गए, देखिए मैडम सब बड़ा आदमी है, घर में आरो लगा रखा है, उसका बदबू पता नहीं रहता, गरीब आदमी पैसे खाए नहीं कमाएगा उतने खाएगा, सब आरो खाने वाला आदमी है, लालच फ्री है, हाँ लालच मोदी देता है, झाड़ू छाप लालच फ्री है, लालच बस जितना जनता है कूद रखा है, लालच मिलेगा जीतेगा तभी उसका इतना, आप किसको पसंद करते हैं, हम लाल नरेंद्र मोदी पसंद करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है वही पसंद करता हूँ, नरेंद्र मोदी पसंद करता हूँ, देश में कोई नहीं है, देश में कहता कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं किया उसने, फ्री नहीं किया, इसलिए लोग सोचते हैं जिसे फ्री का चाहिए वो कहता भाई फ्री वाले को जिताओ जो फ्री दे रहा है, अंकल जी चलिए आपकी सुन लेते हैं, आप बोल रहे हैं, ये लोकल मुद्दे हैं, हमें नेशनल मुद्दे नहीं चाहिए, जो लोकल मुद्दे हैं वो लोगों को मिल रहा है, इसलिए केजरीवाल ने जीतना है, ये सब बेकार के लोग है बीजेपी वाले, एक बात बताइए अंकल, फ्री कोई चीज फ्री करने से, अभी इन्होंने बोला कि लोकल, अब अंकल भैया अंकल जी ने बोला लोकल मुद्दे पे काम करना चाहिए, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो लोकल मुद्दे पे काम नहीं करती, क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही, ये देश का मुद्दा थोड़ी है, अभी ये तो लोकल मुद्दा है, और जहाँ तक अभी ये बोल रहे थे फ्री से निकम्मापन आएगा, ये जो बोल रहे थे ये तो प्रधानमंत्री भी तो गैस सिलेंडर बांट रहे हैं लोगों को, वो उसका पैसा नहीं ले, वो तो फ्री में दे रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री नहीं सब्सिडी, आपको अगर उज्ज्वला योजना
आप आयुष्मान और उज्ज्वला योजना के बारे में पता हो तो उसमें फ्री में सिलेंडर पाते हैं, एक पैसे नहीं लगते, तो वो भी फ्री में। तो अब ये सब हर हर सरकार का कर्तव्य, कोई कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर अरविंद केजरीवाल फ्री में स्वास्थ्य और मैडम 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 आप बताइए, आप नहीं बोलिएगा लड़ाई करने के लिए, यहाँ पे कम से कम कैमरे पे ही बोलिए। ठीक है तो बोलने माइक पे, इस बार किसको साथ दीजिएगा? क्या किसकी राजनीति, किसकी राजनीति अच्छी लगी? दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। केंद्र ने जगह नहीं दी स्कूल बनाने के लिए, तो इसलिए वो स्कूल के अंदर जो है हमने पुराने स्कूल जो है उनको कमरे ज्यादा बना के उनमें सुविधा करी है सारी चीजें। यहाँ पे भाजपा सरकार पे आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जमीन नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, क्या कहिएगा भाई? मैं पहली बात तो ये है जी, केजरीवाल जी को पता नहीं था कि डीडीए किसके पास है, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हर चीज में, ये कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ जो फ्लाईओवर जो डेवलपमेंट के लिए जो हम टैक्स पे करते हैं वो डेवलपमेंट के करते हैं, वो फ्री के लिए नहीं करते हैं कि आप लोगों को। अरे ये आपको पता है एफिडेविट भाईजान नहीं ले रहा, नहीं लेता मैं, कैसा ले रहा है? इनकार, एकदम इनकार कर दिया, फ्री नहीं लेते। बिल दिखाओ अपना, क्यों नहीं लेते? नहीं लेते, नहीं लेते, हमें लीजिए, हमें लीजिए, नहीं लेता, और ना ऐसा हराम का चाहिए हमारे को, ऐसा हराम का नहीं चाहिए, समझे ना? हमारे टैक्स, ये सब वो लोग हैं जो कल तक कांग्रेस में थे, अब जब वहाँ डालने गली तो इसमें आ गए, ठीक है ना? इनके काम नहीं बनते हैं तो एक मिनट में पार्टी चेंज कर लेते हैं, ये उनमें से ये लोग, ठीक है? नालियां बनाए ना इसको, बाहर कोई रेडी वालों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई कहीं वो कर रहा है, ये इसलिए सड़क, ये सड़क भी इसलिए बनी है कि अब फंड खत्म हो जाएगा तो जो कमीशन आनी वो तो आ जाए कम से कम, ठीक है जी? ये जो एमएलए सब लेते हैं, सब लेते हैं, आप कहो, आप कैसे साबित करोगे बताओ? करो करो, सॉरी करो करो, आप साबित करो। क्या मैं झाड़ू मारता हूँ? क्या मैं भी लेता हूँ? हम झाड़ू वाले हैं, हम झाड़ू वाले हैं। पिछले 6 महीने में ही हुआ है जो भी डेवलपमेंट हुआ है, रोडें बन रही है अभी 6 महीने में, 4.5 साल क्या किया? अब आंटी एक बात बताइए, ये नौजवान सवाल उठा रहे हैं कि 6 महीने में ही, अंकल जी 4.5 साल में क्या किया केजरीवाल ने? जो भी तरक्की, जो भी फ्री किया 6 महीने में ही क्यों किया? ऐसा आरोप ये नौजवान, मैं बताऊंगा। आते ही जब हमारी सरकार बनी थी हमने 2 दिन के अंदर बिजली हाफ करी थी, पानी पूरा 20 लीटर जो है 1000 लीटर फ्री किया था, 2 दिन के अंदर किया था। जवाब देखिए, इसमें जो वक्त लगता है हर चीज का एक टाइम होता है। 4.5 साल लगे केजरीवाल, मैं आ रहा हूँ। बीजेपी ने 370 धारा हटाने के लिए 5 साल लिए ना, उसने लोगों का मूड देखा ना कि आप क्या चाहते हैं, तो ऐसी केजरीवाल की तो फाइल लटका रखी थी, वो इधर वो लगा रखी थी भाई, वो लगा रखी थी। चलिए ये जवाब 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 सर, इसलिए रिंग हटाई गई थी 370, इसलिए रिंग हटाई गई थी क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में, बिल पास नहीं थी, मेजोरिटी बिल पास ही नहीं होता जब मेजोरिटी नहीं हुआ था। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने 4 साल तक ये बोला कि केंद्र सरकार ने कभी हमें काम नहीं करने दिया, ठीक है जी? और अब क्या कहते हैं 5 साल बेमिसाल, जब आपको 4 साल काम ही नहीं करते तो 5 साल बेमिसाल वो कैसे गए? ये बताओ में काम किया। मैम देखिए, केजरीवाल को जो भी फाइल होती है दिल्ली सरकार के अंडर जो जो काम आते हैं वो एलजी पास करता है। एलजी किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार के अंडर। जी नहीं सुन रहा था, 6 महीने से एलजी सुन रहा है। ठीक, मैं तो इतना बोलूंगा, केजरीवाल जी ने बहुत सी रियायतें दी हैं पब्लिक को, लेकिन मैं समझता हूँ कुल मिला के ये गलत है। किसी को भी फ्री का देना मैं नहीं उसे जायज समझता, और उससे बढ़कर दूसरी पार्टियां देने के लिए तैयार होगी सिर्फ वोटों की खातिर, लानत ऐसी पार्टियों को।